हेलो फ्रेंड्स, तब्दील स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मौसी वगैरह वहाँ से चली जाती हैं, शीतल को भी मानवी वहाँ से भेज देती है। अब बस्ती है वहाँ मान्या की फ्रेंड, जिसको मान्या ने रोक लिया होता है। और हम लोग भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उसने तो बोल दिया होता है कि वो जस्ट फ्रेंड थे और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम लोगों को भी दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ बैठ के ऐसी बातचीत करने लगते हैं, तो आरू उठ के वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो मानवी कहती है कि कहाँ जा रहे हो, कह रहे हैं वॉशरूम। कहती है आज बहुत वॉशरूम जा रहे हो, क्या बात हो गई। कह रही क्या बात हो गई का क्या मतलब है, वॉशरूम भी नहीं जाऊँ। तो हम लोग हंसने लगते हैं वहाँ। तो मैं मानवी से कहती हूँ, ए मानवी सुनो ना। तो कहती है हाँ बोलो। मैं कहती हूँ कुछ करें। तो कहती है क्या करें। मैं कोई गेम खेलते हैं ना। कहती है नहीं कोई गेम वेम नहीं खेलना, आप लोग धीरे धीरे यहाँ से कल्टी मारो क्योंकि पूजा पाठ जो होनी थी हो चुकी है। अब मैं आरू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी बस। मैं कहती हूँ यार ये क्या बात होती है। तो कहती है हाँ यही बात होती है, जो भी बात होती है। मैं कहती हूँ यार तुम्हारी फ्रेंड आई है, तुम्हारी कज़न मान्या आई है। अब मान्या की फ्रेंड भी आई है, भाभी भी है, निधि भी है, महेशा भी है, सब लोग हैं। और तुम कह रही हो जाओ, ऐसे कौन भगाता है अपने घर से। माना तुम्हारा घर है लेकिन इसका क्या मतलब है, तुम इस तरह से भगा दोगी हमें। कहती हाँ जी मैं भगा दूँगी। तो हम मैं और मानवी ऐसी बात में बहस करने लगते हैं। तो कहती है कि घर मेरा, पति मेरा। मैंने कभी पति हुआ नहीं है वो। तो कहती है हो तो जाएंगे ना। मैं कहा जब होंगे तब की तब देखेंगे, अभी नहीं हुए ना तो अभी हमारा हक जाता है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा वादा हक नहीं है आपका, और आप तो मुझसे बात ही मत करो। मैं कहती हूँ अब मैंने क्या किया है। कहती है बस नहीं करनी मुझे आपसे बात। मैंने कहा अरे बट मैंने किया क्या है। तो कहती है आपने भाभी को रुलाया अपने यहाँ। मैं कहती हूँ मैंने और भाभी को। ओहो तोबा तोबा, भाभी आप मेरी वजह से रोई हो। एक्चुअली ना भाभी के नलों के टंकियाँ कभी भी खुल हो, आँखों के टंकियाँ कभी भी खुल जाती हैं, तो इसलिए इतना माइंड नहीं लेते। तो भाभी ऐसे पीछे से मारती है मेरी पीठ पे जोर का। कहती मेरी टंकियाँ खुल जाती हैं। मैं कहती हूँ और क्या, बेवजह का रोना तो टंकियाँ खुलना ही होता है ना, और क्या कहूँगी। कहती ऐसा चाटा लगेगा ना गाल पे। मैं कहती क्यों रोई थी आप, हाँ किसने कहा था रोने को। और ये इधर जरा कहती है तो तेरी वजह। मैंने कहा तू तो बोल ही मत, तू तो सो कॉल्ड मेरी फ्रेंड जो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। निधि कहती है वही तो बात है ना, आई हो देख लो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। मैं तू भी चुप रहे, तब तो तूने भी कुछ नहीं बोला था। कहती मैं क्या बोलती आंटी के सामने, थप्पड़ खाना था आंटी से। मैं हाँ थप्पड़ तो बस मैं ही खाऊँ ना, प्लानिंग तुम लोग करो, थप्पड़ सिर्फ मैं खाऊँ। तो इसी बीच मान्या की जो फ्रेंड होती है वो धीरे से वहाँ से उठती है और उससे पूछती है मानवी से कि इधर वॉशरूम। तो कहती है कि वॉशरूम उधर है। तो कहती है ओके। तो रूम में मतलब घर में दो वॉशरूम होते हैं, तो वो भी अंदर की तरफ रूम की तरफ चली जाती है। तो जब वो रूम की तरफ जा रही होती है तो उधर से आरू आ रही होती है। तो आरू जैसे ही उसे देखती है वो अपना रास्ता कट करके इधर से मानवी के पास जाने लगती है। तो स्वाति उसे बीच में ही रोक देती है, कहती है सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है कि क्या बात करनी है। तो उसका हाथ पकड़ती है और उसको अंदर रूम की तरफ ले जाती है। रूम की तरफ ले जाने के बाद रूम को क्लोज कर देती है और आरू से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम वो वाला रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आरू कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कौन सा रिलेशनशिप, हाँ कोई रिलेशनशिप नहीं था हमारे बीच में, समझ में आया ना तुम्हें। तो कहती है आई नो कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट जो था वो स्टार्ट तो हो सकता है ना। तो कहती है दिमाग मत ख़राब करो तुम मेरा, ठीक है। कहती है अगर मैंने मानवी को सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या होगा। तो आरू कहती है तुमने सुना ना, उसे मेरे पास से कोई लेना देना नहीं है। कहती है अच्छा सीरियसली कोई लेना देना नहीं है, तो चलो चलते हैं मानवी के सामने सारी बातें कर लेते हैं ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना लेना देना है और कितना लेना देना नहीं है।
तारू कहती है तुम क्या चाहती हो, स्वाति कहती है मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ जो हमारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप था उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इन शॉर्ट तुम अपने इस रिलेशनशिप में रहो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ फिजिकली इन्वॉल्व रहो, मुझे जब ज़रूरत हो तुम मेरे पास रहो। पता है तुम्हारे जाने के बाद कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके, क्या करूँ। तो आरू कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड और क्रेजी और वॉट, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानवी से प्यार करती हूँ, समझ में आया, और मैं मानवी के साथ ही रहूँगी, उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। तो कहते ओ यार कटता क्रैप, क्या है धोखा एंड ऑल, कौन सा धोखा, कैसा धोखा, आज की डेट में ना सब पीठ पीछे सब कुछ करते हैं, ठीक है। और शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर मैंने सच बोल दिया होता ना तो तुम्हारा क्या होता तुम जानते भी नहीं हो। तारू कहती तो इस ब्लैकमेलिंग से अच्छा था कि तुम सच बोल ही देती, समझ में आया तुम्हें। तो काफ़ी देर हो जाती है इधर दोनों को, तो इधर मानवी कहती है कि यार आरू अभी तक नहीं आए, क्या करने लग गए। तो वो उठ के जाते हैं, जाने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ कहाँ जा रही हो, कहती है आरू को देखने में चैन नहीं है ना तुम्हें भी, हाँ हमेशा दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो भाभी कहते हैं जाने दो ना, कहती हूँ क्या है भाभी तुम लोग अपने पार्टनर के बिना एक मिनट रह नहीं सकते हो। तो मान्या कहती है कि क्या पार्टनर के बिना इंसान एक मिनट भी रह सकता है, जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तो क्या आप उसके बिना एक मिनट भी रह सकते थे। तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देती और मानवी उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर मेरी निगाहें बार बार गेट पे होती है, तो भाभी कहती है एक बात बताओ तुम बात सबसे कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान गेट की तरफ क्यों है, क्या चल रहा है। तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसा ऐसा क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मान्या और भाभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो मैं अपना सर नीचे करके अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ। तो मान्या कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी आई हूँ, तो मैं कहती हूँ क्या, कहती है कि जो अभी हुआ उसके लिए हम सॉरी। मैं कितनी बार सॉरी बोलना है भाई, हो गया एक ही बार में आ जाता है मुझे समझ, बार बार बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहती हूँ इतना भी मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, एक बार में सॉरी का मतलब मुझे समझ आता है, तो आप उस बात को छोड़ दो। तो मान्या कहती है कि एक चीज़ और कन्फेस करनी थी। मैं कहती हूँ आप क्या कन्फेस करना है आपको, ये आप ऐसे बोलते हो ना तो मेरे हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तो क्या कन्फेस करना है आपको ज़रा बताएंगी आप। कहते हैं कि वो एक्चुअली, तो तभी डोर की बेल बजती है, तो मैं एकदम से उठ के जाने लगती हूँ। तो भाभी कहती है इतनी जल्दी क्या है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं, कोई आया है ना तो बस देखने जा रही हूँ। तो मैं देखने चली जाती हूँ, तो भाभी मान्या से कहती हैं ये तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है शायद। तो मान्या कहती है शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो कहती हैं कि फिर बोल दो कन्फेस कर लो। तो कहती है हाँ भाई, तो मैं जाके डोर ओपन करती हूँ, देखती हूँ कुरियर वाला होता है, उसे कुरियर रिसीव करती हूँ, आयु का आरू का कुरियर होता है, तो कुरियर लेके आ जाती हूँ मैं सर नीचे करके कि जिसका इंतज़ार कर रही थी वो अभी तक नहीं आया। तो मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और फ़ोन से उस प्राइवेट नंबर पे मैसेज करती हूँ, और जैसे ही मैं मैसेज करती हूँ वो मान्या का फ़ोन तुरंत बीप करता है, मैसेज की आवाज़ आती है। तो मेरी निगाह बिल्कुल मान्या के फ़ोन पे पड़ती है, तो मान्या अपना फ़ोन निकालती है और कुछ करने लगती है। तो जब दो मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आता तो मुझे लगता है नहीं ये मान्या नहीं है, एक्चुअली कोइंसिडेंट होगा कि एक ही टाइम पे मैसेजेस आ रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं ये सोच लेती हूँ, सोचने के बाद जो है दो मिनट बीतता है, मैं दोबारा से मैसेजेस करती हूँ, तो दोबारा मान्या का फ़ोन बीप होता है। अब मान्या अपने फ़ोन को साइलेंट करने लगती है, तभी मैं तुरंत कॉल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये फितूर घूमने लगा था कि कहीं ये मान्या ही तो नहीं है।
भाभी और मान्या दोनों हड़बड़ा जाती हैं। तो मान्या उठ के वहाँ से जाने लगती है, कहती मैं अभी आई। मैं कहती हूँ नहीं एक सेकंड रुको 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 यहीं खड़ी रहो। कहती नहीं अभी आई ना, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा सबको वॉशरूम जाना है क्या, पानी पी के आए हो क्या सारे के सारे बहुत ज़्यादा, या डूब के आए हो गंगा जी में? तो मैं कह के और तुरंत फ़ोन मिला देती हूँ और मान्या का जो है, मान्या जो है जाने लगती है तो मैं मान्या का हाथ पकड़ लेती हूँ, कहती हूँ रुको। और मान्या अपना फ़ोन साइलेंट करवाती है, इससे पहले फ़ोन रिंग होने लगता है और मैं उसके पास आके खड़ी होकर देखती हूँ तो मेरा ही नंबर होता है उसके फ़ोन पे। मैं ये देख के तो मेरा एकदम दिमाग ख़राब होने लगता है। मान्या मेरी तरफ देखने लगती है, मैं कहती हूँ जी ये मैंने ये तुम थी? तो मैंने कहती है उसमें मैं बताने वाली थी आई हूँ। मैं कहती हूँ बस यार इनफ, ठीक है इनफ, सीरियसली आप उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप ऐसा काम करोगे, सीरियसली। ये आरू का है जरा आरू को बुलाना, मैंने पहले ही कहा था अगर ये मान्या निकली तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। और इधर जो है मानवी आरू को ढूंढते हुए उस रूम के पास पहुँचते हैं जहाँ वो स्वाति आरू से बात कर रही होती है, कह रही वो उसे हक करके खड़ी हो जाती है, कहती है कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें हक करके, पता भी है? तो आरू उसे धक्का देती है, कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता है ना आई एम एंगेज्ड विद समवन एल्स, तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें जो कहना था तभी क्यों नहीं कह दिया, क्या है ये सब? तो कहती है कि मैं तभी कह देती तो मुझे तुम्हारा साथ कैसे मिलता, और मैं कहाँ तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मानवी को छोड़ दो, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, वो तुम्हारे लिए सीरियस गर्लफ्रेंड है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी, मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना है यार। तो कहती है पहले की बात और थी स्वाति, वो जस्ट मैं किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था और वो साथ मैंने तुमसे ले लिया था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ इस बात को भी रफा दफा कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो कहती ऐसे कैसे कर दूँ अब मानवी, और तुम्हारे रिलेशनशिप को बचाने की कुछ तो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना। तो कहती कैसी कीमत? तो कहती है कि यही बता तो रही हूँ, मेरे साथ आ जाओ, उसके साथ रहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे साथ आ जाओ। तो तभी मानवी जाके डोर पे नॉक कर देती है, वो सुनती नहीं है कुछ, बस डोर पे नॉक करती है तो आरू एकदम से उसे हटाने लगती है, तो साथी उसे और ज़ोर से हक कर लेती है। इधर से मैं भी पीछे से आरू के पास जाने लगती हूँ उसे ढूंढने के, उसे आज मैं बताती हूँ क्या हरकत की है उसने, ये सोच के मैं उसके पास जाने लगती हूँ। तो मैं भी मानवी के पास आती हूँ, कहती हूँ यहाँ क्या कर रही हो? कहती कुछ अंदर से आवाज़ें आ रही थी तो मुझे लगा आरू यहीं पे फ़ोन उन पे बात कर रहे होंगे। तो मैं कहती हूँ और वो स्वाति की तरह कहती हूँ दूसरे वॉशरूम में गई होगी ना। मैं कहती हूँ अच्छा। तो अब जब आरू काफ़ी देर तक डोर ओपन नहीं करती तो मेरे दिमाग में कुछ शक पैदा होता है। तो पीछे से भाभी भी आ जाती हैं, कहती हैं आयू मेरी बात सुनवाएंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे आरू से बात करनी है सीधे। तो मानवी कहती है आपको क्या हो गया, आपको क्या बात करनी है? कहती है मैं कहती हूँ उसे निकालने दो ना, फिर सबसे बात करती हूँ एक साथ ही। तो वो डोर ओपन नहीं कर रही होती है, तो भाभी निधि और ज़ारा बोलती हैं डोर ओपन क्यों नहीं कर रही? तो ज़ारा मेरे कान में बोलती है कहीं जो इसकी मौसी और शीतल ने आके कहा था वो सही तो नहीं है? तो मैं एकदम शॉक होकर उसको देखने लगती हूँ, मैंने कहा सीरियसली? मैं इशारे में पूछती हूँ। तो ज़ारा कहती है लगता तो यही है। तो निधि भी मेरे पास ही आती कहती है लगता तो मुझे भी यही है, इतनी देर तो नहीं लग सकती ना वॉशरूम को डोर ओपन करने में। तो मानवी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है, तो स्वाति डोर ओपन करती है, पीछे आरू होती है। तो जब दोनों को साथ देखती है तो उसका तो एकदम पारा हाई हो जाता है। वो कहती है कि तुम दोनों इस रूम में, वो भी डोर लॉक, क्या चल रहा था यहाँ पे, चल क्या रहा था यहाँ पे? तो स्वाति कहती है अरे मानवी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, तो ज़्यादा टेंशन ना लो। तो मानवी कहती है मुझे साफ साफ जानना है यहाँ क्या चल रहा था। आरू के तो पसीने निकलने लगते हैं और हम लोग भी थोड़ा शॉक्ड होते हैं।
तो अब देखते हैं कि और वो अभी भी सच्चाई बताएगी या नहीं, ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ खैर।